हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस पर इस कदर धमाल मचाया है कि देखने वाले देखते ही रह गए। 14 अप्रैल को रिलीज हुई ये फिल्म अभी भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म को ईद की छुट्टियों का भी जबरदस्त फायदा हुआ है। यही वजह है कि इस फिल्म ने एक और बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल यश ने आमिर खान की फिल्म दंगल को धूल चटा दी है। अभी तक हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में आमिर खान की दंगल दूसरे नंबर पर थी, लेकिन अब केजीएफ 2 ने इसे तीसरे नंबर पर ढकेल दिया है। बता दें, नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी दंगल ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 387.38 करोड़ की कमाई की थी। वहीं केजीएफ 2 ने अपने तीसरे हफ्ते के बुधवार को 8.75 करोड़ की कमाई की। इसी के साथ फिल्म ने अब तक 391.65 करोड़ का कारोबार कर लिया है और दंगल के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। बता दें, इस बात की जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने अपने ट्वीट के जरिए दी है। तरण आदर्श ने लिखा, बिग न्यूज, केजीएफ 2 सरपासेस दंगल लाइफ टाइम बिज, नाउ सेकेंड हाइएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म, ग्लोरियस मार्च टूवर्ड्स 400 करोड़ बिगिंस। फ्राइडे 4.25 करोड़, सैटरडे 7.25 करोड़, संडे 9.27 करोड़, मंडे 3.75 करोड़, ट्यूसडे 9.57 करोड़, वेडनेसडे 8.75 करोड़, टोटल 391.65 करोड़, indiabiz.hindi। बता दें, फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर लंबी दौड़ लगा रही है, उसे देखकर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपए का कारोबार आसानी से कर लेगी। फिल्म का ताना बाना ऐसा है कि इसे देखने हर धर्म और समुदाय के लोग भर भर कर आ रहे हैं और ईद के दिन फिल्म दिखा रहे सिनेमाघरों में जो मेला दिखा, उसने इस बात को फिर पक्का किया कि सिनेमाघरों में फिल्म का असली मजा सबके साथ ही आता है। साउथ इंडस्ट्री जिस तरह से बॉलीवुड पर भारी पड़ रही है, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बता दें, हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में अब टॉप 2 की लिस्ट में साउथ की फिल्में हैं। पहले नंबर पर प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 है, जिसने हिंदी बेल्ट में 500 करोड़ का कारोबार किया था, और अब दूसरे नंबर पर यश की केजीएफ 2 है, जबकि आमिर की दंगल तीसरे नंबर पर खिसक गई है। कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड की साउथ के आगे बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। खान से लेकर कुमार, देवगन से लेकर कपूर तक कोई भी बाहुबली 2 और केजीएफ 2 के आगे खड़ा नहीं नजर आ रहा, और इन फिल्मों ने बॉलीवुड के लिए काफी हाई टारगेट सेट कर दिया है, जिसे तोड़ना हिंदी एक्टर्स के लिए मुश्किल होगा। बात करें केजीएफ 2 की, तो इस फिल्म को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। 5 भाषाओं में रिलीज हुई इस फिल्म में यश के साथ साथ संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी अहम रोल में है। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि आने वाले दिनों में ये फिल्म क्या धमाल मचाती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।